अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये जो जानलेवा वबा आज की दुनिया में फैलती हुई दिखाई देती है, इसकी प्रिवेंशन के लिए कि आपने बचना कैसे है, एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करनी है, किस किस्म की वबा है, बीमारी कैसे लगती है, ये तमाम बातें जो हैं वो हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हुए हैं। हमारे साथियों को चाहिए कि उन्हें सुने। और सबसे बड़ी फिक्र जो है हमें इस वक्त वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की है, यानी कि ऐसे ममालिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं और जहाँ का ऑलरेडी एक निज़ाम जो है ज़िंदगी का वो इतना सक्सेसफुली नहीं चल रहा है। जैसे जब पाकिस्तान में स्कूल्स वगैरह बंद किए तो बहुत लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अब जब लॉकडाउन में सिटीज़ वगैरह को डालने की कोशिश की गई है तो ये कह रहे हैं कि दिहाड़ी वाले कैसे खाएंगे। तो उनको ये सोचना चाहिए कि खाना पीना तो जब है, रोटी पानी तो जब है, आमद तो जब है, जब जिंदगियां हों। अगर इस चीज़ पर अभी तवज्जो ना दी गई और बहुत ही सख्ती से उन अहकाम को ना बजा लाया गया जो कि आपको सर्विसेज दे रही हैं, तो ये दिन भी आप देख सकते हैं कि कोई लाशें भी दबाने वाला ना रहे। तो बहुत ख़तरनाक बात है जो हमारी कौम इस वक्त कर रही है कि अभी तक मिलना मिलाना जारी है, बाहर निकलना जारी है, और ये नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए कि पुलिस को या आर्मी को अपॉइंट किया जाए कि उनसे ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाई जाए। एक लफ्ज़, एक बात, एक आवाज़ कह देना ही सर्विसेज का जो हमारे हुक्मरान हैं उनका काफ़ी होना चाहिए, रिगार्डलेस कि आप उसके फेवर में हैं या उसके ख़िलाफ़ हैं। वो एक दफ़ा जब एक जगह पे बिठा दिया गया तो आप उसकी इताअत में आ जाएं। सिस्टम जो है वो इसी तरह से सक्सेसफुली चला करता है। तो जो भी है वो एक ज़िम्मेदार इंसान है जिसको आपके ऊपर बिठाया गया है, और हमारी कौम को चाहिए कि हकूमत के इदारों से जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे मिल रही हैं उसकी वो इताअत करें। आप सब ने इटली का हाल देखा है कि क्या हुआ है, 700 से 800 अफराद आज भी इटली में मौत का शिकार हो रहे हैं, एक बेबसी है। तो ये चीज़ें जो हैं अब हाथ से निकलते हुए दिख रही हैं। अभी 3-4 रोज़ कबल ही एक स्टेटमेंट जो है वो हमारी नज़र से गुजरी है कि पाकिस्तान का हाल नेक्स्ट 2 वीक्स में इटली से बुरा होना है, और हमने देखा है इन 3 से 4 दिनों में ही कि हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। केसेस के बारे में खबरें आने लग गई हैं, तो हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हुए जाते हैं। मामले की सीरियसनेस को समझें, जिस वक्त यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आगे लगी, बुश फायर्स लगी, सारी दुनिया में ही ये खबर पहुंची कि ऑस्ट्रेलिया इज़ बर्निंग, ऑस्ट्रेलिया इज़ बर्निंग, जिस वक्त उनका इख्तिताम का वक्त था, जब आगे जो थी वो ख़त्म होने को थी, बहुत हद तक बुझ गई, कंट्रोल में आ गई, तो उस वक्त हमने एक ख्वाब देखा, कि आग लगी है हर तरफ। जैसे हमारा ये बड़ा घास का बीच में हिस्सा है और दोनों तरफ लंबे दरख्त हैं, तो हमने देखा कि घास पर जैसे आग चल चल के जला जला के आती है, उस तरह से आई है और बहुत करीब है हमारे घर के, बिल्कुल हर तरफ का जंगल जो है वो जल रहा है, और हमें है कि हमारे घर को भी ये लगने वाली है। और हमें ख्वाब में ये एहसास है कि किस तरह इंसान कोशिश कर रहा है इसको बुझाने की, फायर फाइटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, सारी दुनिया इस तरफ को लगी हुई है कि आग बुझाई जा सके, और वो फैल रही है और वो सारी घास भी बर्न हो रही है, और जैसे समंदर की लहर रेत पर आती है उस तरह हमने आग को जलते हुए घास पर देखा है, अपने ब्लॉक के ऊपर देखा, और फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल डेक के करीब हमारे आई है, और एकदम से बादल उठा है और तेज़ बारिश हो गई है और वो सारी आग जो है वो बुझ गई है। जब वो बुझ गई है तो हम ख्वाब में सोचते हैं कि देखो एक इंसान छोटे छोटे ट्रक लेके कैसे कैसे ज़रा ज़रा बुझाने की कोनों कोनों में कोशिश कर रहा है और बेबस है, और हाथ से ये आग फिर भी निकल जाती है, और अल्लाह की रहमत देखो कि कैसे जल थल कर दिया उसने, चंद लम्हे में ही एक बदली बरसाई है आसमान से और सारी आग बुझ गई है। लेकिन वो बुझने के बावजूद ऐसी है कि उसमें से धुआं निकल रहा है, जैसे आप आग पे पानी डाल भी दें उसके बावजूद बाज़ दफ़ा वो फिर से सुलग जाया करती है। तो हम सोचते हैं कि इसने फिर से आग पकड़ लेनी है, और हमारे डेक के बहुत करीब है, तो हम ये जो घर की होज है, पाइप लगी हुई है बाहर, उसको लेकर उस आग के ऊपर भी पानी डाल के बुझा देते हैं। तो वो ख्वाब देखकर हम उठे तो हमें हैरत हुई कि आगें तो अब ख़त्म हो रही हैं, काबू में है, तो हमने क्यों ऐसा ख्वाब देखा। बल्कि उन दिनों में जैसे ही हमें कभी धुएं की स्मेल सी आई कहीं से, या हमने बाहर ड्रम में भी आग लगाई, तो हम एकदम ख्वाब को जहन में रखते हुए उठ के जल्दी से खिड़की पे गए हैं कि कहीं ये ना हो कि आग लगी हुई हो हमारे ख्वाब की तरह, चूँकि वो हमारे जहन में था। तो उन दिनों में हमने बहुत ख्याल रखा है इस चीज़ का, लेकिन हम उठ के सोचते रहे कि आगें तो बुझ गई, तो ये आग फैलती हुई हमने कौन सी देखी है। अब जब ये कोरोना वायरस फैला है
तो अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि वो ख्वाब जो था वो ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर्स के बारे में नहीं था, बल्कि दुनिया में इस वबा के बारे में था। तो हमें जो मीनिंग इस ख्वाब का समझ आया वो यही समझ आया कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, और अल्लाह का ही कोई फ़ज़ल हो तो फिर ही है, ऊपर से ही कोई रहमत बरसे तो फिर ही है, फिर ही इसी चीज़ पे कोई काबू जो है वो पाया जा सकेगा, क्योंकि इंसानी कोशिशें बहुत मामूली हैं। और यूं ही नहीं ये फ़जलों की बारिशें जो हैं ये कौमों पर हुआ करती हैं। ये कब हुआ करती हैं? जब उसमें इताअत हो, उसमें फरमाबरदारी हो, उसमें सच हो, उसमें ऑनेस्टी हो। तो इंसानी कोशिश है जो सारी दुनिया इस वक्त कर रही है इससे बचाव के लिए, लेकिन अल्लाह ताला से भी दुआ मांगते रहना चाहिए कि वो अपने फ़ज़ल की बारिश बरसाए, और वही ऐसा है जो इसको रोक सकता है। तो ज़िंदगी के हर पहलू में, दीन का पहलू भी है, सफाई निस्फ ईमान है। ये वबा फैली ही ना होती अगर दुनिया के पास निस्फ ईमान होता। जो चीज़ें आम फ्लू में इंसान की हेल्प करती हैं, बिलाशुबा वो चीज़ें थोड़ी बहुत इस बीमारी में भी हेल्प करेंगी, अगर आपको अटैक जो है वो इतना सीरियस ना हो। आपके साथ जो बूढ़े हैं सबसे ज़्यादा शिकार वो बनेंगे, तो आपने उनको बचाना है। एक शख्स जिसको वायरस लग जाता है, हो जाता है, वो इसको बड़ी ही तेज़ी से हर तरफ फैला रहा होता है, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, वो बिल्कुल कमरे में रहे और वो वहाँ से बाहर ना निकले। तो ये कुछ दिन हैं, सब्र से काम लें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल जो है वो आप पर बरसे, तो आपको अपने आप को उस स्टेटस पर, उस लेवल पर लाना पड़ेगा जहाँ पर आप उस फसल के हकदार ठहरें। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि स्टेट्स ने अपना अपना स्टैंड लिया है, स्टेट्स ने अपने डिसीजंस खुद मेक किए हैं और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश की है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं वो हरकत में आई हैं, इदारे जो हैं उन्होंने अपने डिसीजंस खुद मेक किए हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, ये तमाम ममालिक जो एक ही ग्रुप में मौजूद हैं और मिलती जुलती ही इकोनॉमी है जो इन सब की है, इनको चाहिए कि बचाव के लिए ये हुकूमतों का मुँह इस वक्त ना देखें। इनको चाहिए कि ये खुद स्टेप फॉरवर्ड करें और अपने बचाव की तदाबीर इख्तियार करें। हर गली का एक मोतबर इंसान जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए कि वो अपने हर घर की निगरानी करेगा कि उसमें से कोई ना निकले। तो इस वक्त मामला हुकूमतों के हाथ में नहीं है, बल्कि आपने अपने बचाव की तदाबीर खुद करनी है। अपनी मदद आप वाला सिलसिला जो है इस वक्त आप शुरू करते हैं तो आप बहुत मुमकिन है कि बचाए जा सकें। एक दूसरे के साथ इंटरनेट से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन जारी रख सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से अवॉइड करें, एक दूसरे की खबर रखें, ऐसे पेजेस बनाएं अपने अपने मोहल्लों के, अपने अपने एरियाज के, जहाँ पर सब अपनी परेशानी आकर लिख सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें, और उसमें अपना वर्ड जो है वो करोना लिखें, जैसे करोना इन गुलशन इकबाल, करोना इन डिफेंस, करोना इन क्लिफ्टन, इस किस्म के फेसबुक पेजेस जो हैं वो बनने चाहिए, उसके एडमिन्स होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उन पेजेस को लाइक करें, उनमें शामिल हों, ताकि उनको एक दूसरे की खबर रहे, उनको पता हो घर घर में किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और वो मुहैया की जा सके। तो इस किस्म के सिलसिले जो हैं वो इस वक्त हमारी कम्युनिटीज़ में जारी होने चाहिए, पहले भी होंगे लेकिन बेहतर है कि उनको छोड़कर नए पेजेस ऐसे क्रिएट किए जाएं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हों, और वहाँ पर आकर लोग इकट्ठे हों। बाद में जब हालात नॉर्मल आ जाएं, यूजुअल पे आ जाएं, तो बेशक उन पेजेस को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल ना हो और सियासत का निशाना ना बन जाए। लेकिन जब इस किस्म की एमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी हो, जैसे कि वर्ल्ड वाइड हुई है, तो इस वक्त ऐसे एक्शंस जो हैं वो बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। तो बिलाशुबा ये ख़तरे का वक्त है, मुश्किल घड़ी है, एक दूसरे का साथ दें और सेल्फिश ना हो, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, अपने आप को भी बचाएं, अपने शहरों को बचाएं, अपनी स्टेट्स को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं और अपनी दुनिया को महफूज रखें इस वबा से, इस बीमारी से जो कि आज की दुनिया में बुरी तरह से फैल रही है। इसकी वैक्सीन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी इस वक्त सिर्फ इसको कंट्रोल में लाने के लिए तमाम दुनिया कोशिशों में लगी हुई है। ये बातें कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी चीज़ इफ़ेक्टिव है, कौन सी नहीं है, ये वक्त जो है ये सामने लेकर आएगा, लेकिन फ़िलहाल आपने सिर्फ इससे बचाव की तदाबीर इख्तियार करनी है। तो खुदा करे कि हमारी ये जो टॉक है ये आपके लिए कारामद साबित हो और कुछ आइडियाज़ जो हैं वो आपको इससे मिले हों। अल्लाह ताला हर जान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती से रखे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।